दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों तीसरे टेस्ट मुकाबले में हार के बाद रोहित शर्मा ने बदल डाली अगले मुकाबले के लिए पूरी की पूरी टीम। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंदौर के मैदान पर खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले में हार के बाद रोहित शर्मा ने पूरी की पूरी टीम बदल कर रख दी है। गुस्से में आकर रोहित शर्मा ने अगले मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए खतरनाक रणनीति अपनाते हुए ऐसे दो खूंखार खिलाड़ियों की वापसी करा दी है जिनके आ जाने से ऑस्ट्रेलिया टीम अपने आप हार का सामना करने लगेगी। तो आखिरकार रोहित शर्मा ने किन दो खूंखार खिलाड़ियों की वापसी चौथे टेस्ट मुकाबले की कराई है ये तो आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ रोहित शर्मा की पूरी की पूरी प्लेइंग 11 के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से खतरनाक बल्लेबाज कौन है? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों भारतीय टीम ने इंदौर के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 विकेट से करारी हार का सामना किया है। इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां पर भारतीय टीम मात्र 109 रन बना पाई। इस बीच भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली ने सर्वाधिक 22 रन की पारी खेली, तो वहीं विरोधी टीम की तरफ से क्वीन मैन ने सर्वाधिक 5 विकेट हासिल किए। हालांकि इसका पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 197 रन पर अपने सभी विकेट गवा दिए, जहां पर उस्मान ख्वाजा ने सर्वाधिक 60 रन की पारी खेली, तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से रविंद्र जडेजा ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन और उमेश यादव ने 3-3 विकेट हासिल किया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास 88 रन की बढ़त थी, लेकिन इसके बाद जब दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम बढ़त को समाप्त करने के लिए उतरी तो भारतीय टीम 163 रन पर पूरी तरह ऑल आउट हो गई, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से चेतेश्वर पुजारा ने सर्वाधिक 59 रन की पारी खेली, तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से लॉयन ने सर्वाधिक 8 विकेट हासिल किए। ऐसे में भारतीय टीम ने 75 रन की बढ़त हासिल की और 76 रन का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीतने के लिए दिला, जहां पर तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने लंच से पहले ही 78 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जहां पर रविचंद्रन अश्विन को एकमात्र विकेट मिला, तो वहीं मार्नस लाबुशाने ने 28 और ट्रेविस हेड ने सर्वाधिक 49 रन की पारी खेली। ऐसे में भारतीय टीम को इस मुकाबले में 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं भारतीय टीम इस मुकाबले को हारने के बाद 2-1 से अभी भी सीरीज में आगे है। इसके अलावा इस मुकाबले में नॉर्थर्न लायन को पहली पारी में 3 विकेट तो वहीं दूसरी पारी में 8 विकेट लेने के लिए मैन ऑफ द मैच के नाम से भी नवाजा गया। ऐसे में अब अगला मुकाबला अहमदाबाद के मैदान पर 9 मार्च से खेला जाने वाला है। ऐसे में इस मुकाबले के लिए रोहित शर्मा ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत करने के लिए एक बार फिर से सलामी बल्लेबाज के रूप में शुभमन गिल को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और अब एक बार फिर से केएल राहुल की वापसी करा दी है। हालांकि शुभमन गिल को चौथे टेस्ट मुकाबले में मौका दिया जाने वाला था, लेकिन तीसरे टेस्ट मुकाबले में पूरे तरीके से खराब प्रदर्शन और चौथे मुकाबले में किसी भी कीमत पर जीतने के लिए अनुभवी राहुल पर रोहित शर्मा ने बड़ा दाव खेला है और अब राहुल को कप्तान रोहित शर्मा अपने जोड़ीदार के रूप में एक बार फिर से शामिल करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा रोहित शर्मा ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए चेतेश्वर पुजारा को शामिल किया है, जहां पर उन्होंने तीसरे मुकाबले में जुझारू पारी खेलकर भारत को मजबूती दिलाई। हालांकि जीत दिलाने में वह असमर्थ रहे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह पक्की कर रखी है। इसके अलावा रोहित शर्मा ने चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली को शामिल किया, जी हां, जहां पर उन्होंने बताया कि विराट कोहली को वह बाहर का रास्ता नहीं दिखा सकते और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे मुकाबले में उनसे एक बड़ी और महत्वपूर्ण पारी की उम्मीद रहने वाली है। इतना ही नहीं, रोहित शर्मा ने पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर को एक बार फिर से शामिल किया है, जहां पर उन्होंने तीसरे मुकाबले की दूसरी पारी में एक मजबूत बल्लेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन अपना विकेट गलत शॉट खेलकर दे बैठे। ऐसे में उनको एक बार और खेलने का मौका मिलने वाला है। इसके अलावा रोहित शर्मा ने विकेट कीपर के रूप में श्रीकर भरत को बाहर का रास्ता दिखा दिया और उनकी जगह ईशान किशन की वापसी कराई, जिनके आ जाने से समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि भरत ने पहले 3 मुकाबलों में ऐसी कोई पारी नहीं खेली जिनके कारण उनको टीम में मौका दिया जाए। ऐसे में चौथे मुकाबले के लिए उनकी जगह ईशान किशन को शामिल किया जा रहा है, क्योंकि भरत ने काफी ज्यादा खराब विकेट कीपिंग की थी। ऐसे में ईशान किशन को पदार्पण करने का मौका मिलने वाला है। इसके अलावा रोहित शर्मा ने ऑलराउंडर के रूप में रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन को शामिल किया था, जहां पर उन्होंने बता दिया है कि दोनों खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हुए आए हैं और इस तरीके से गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। ऐसे में इनके रूप में भारतीय टीम कोई भी बड़ा बदलाव नहीं चाहती। इसके अलावा रोहित शर्मा ने उनका साथ देने के लिए अक्षर पटेल को भी शामिल किया, जहां उन्होंने बताया कि अक्षर पटेल को भी उनके बेहतर प्रदर्शन के कारण खिलाया जाएगा। तो वहीं अक्षर पटेल ने अहमदाबाद के मैदान पर पहले भी बेहतर प्रदर्शन किया है, ऐसे में उनको एक बार फिर से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए खिलाया जाएगा। इसके अलावा रोहित शर्मा ने तेज गेंदबाज के रूप में मोहम्मद सिराज को शामिल किया, क्योंकि उन्होंने पहले 3 मुकाबलों में बेहतर गेंदबाजी की है। हालांकि विकेट निकालने में असमर्थ रहे, लेकिन उन्होंने टीम को परेशान किया है। इसके अलावा कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरे तेज गेंदबाज के रूप में उमेश यादव को ही शामिल किया है, जहां पर उन्होंने बताया कि उन्होंने तीसरे टेस्ट में बेहतर गेंदबाजी की थी। ऐसे में इस गेंदबाजी को दोहराने के लिए उन्होंने चौथे टेस्ट में शामिल किया है और ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा 2 बदलाव के साथ सीरीज को जीतने के लिए मैदान पर उतरना चाहेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अगले मुकाबले में भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में क्या बदलाव हो सकता है? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।